Welcome to IT Academics. In this lecture, we are going to cover brick, introduction of brick, composition of brick earth, manufacturing process, test and application. You can see picture of brick, and this part is known as frog, right? We can see the brick masonry work is going on. So what is a brick? Brick is a clay product and produced by molding clay in rectangular blocks of uniform size, then drying and burning these blocks. So what useful material have building bridges आपने देखा होगा, पुल वगैरह में भी ब्रिक यूज होता है, एंड डैम स्ट्रक्चर्स भी पहले बहुत सारे ब्रिक के ही बनते थे, एंड इवन कलवर्ट्स. सो दीज आर द यूजेस ऑफ ब्रिक. नाउ वी कैन सी द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक. सो यहाँ पे सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड मेन कंपोजिशन है. सिलिका विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ सैंड, एल्यूमिना क्ले के फॉर्म में रहेगा, लाइम एंड आयरन ऑक्साइड विल बी देयर. सो क्ले बेसिकली ऑल्सो नॉन एज एल्यूमिना क्ले इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी व्हेन वेट इट कैन मोल्ड इट. तो क्ले की वजह से ही ईट को हम लोग मोल्ड कर पाते हैं. सो क्ले की परसेंटेज 20-30% रहेगा, एंड अगर एक्सेस क्वांटिटी हो जाती है क्ले की, देन चांसेस ऑफ सिंकिंग दैट मटेरियल विल बी हाई, क्योंकि क्ले जो है पानी को रिटेन करके रखती है. ड्यूरिंग बर्निंग वाटर इवेपोरेट होगा, ड्राइंग में वाटर इवेपोरेट होगा, जितनी ज़्यादा क्ले होगी उतना ज़्यादा पानी इवेपोरेट होने के चांसेज हैं, और उसके कारण सिंकेज होने का चांस भी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए. एंड लाइम जो है सिंकेज को कंट्रोल करता है बेसिकली. सैंड परसेंटेज ऑफ सैंड विल बी वेरी फ्रॉम 50-60%, एंड इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग एंड श्रिंकेज. तो सैंड द फॉर्म ऑफ सिलिका रहेगी ब्रिक में. सैंड जो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होगी, और मेल्ट होकर बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ में एक बॉन्ड फॉर्म करेगी. कि ज्यादा अगर क्वांटिटी है सैंड की तो बर्निंग में वो आपकी ब्रिक जो है ब्रिटल हो. नाउ वी कम टू द लाइम. लाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइम की वजह से ही सिलिका एक रिलेटिवली कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो पाती है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स श्रिंकेज एंड हेल्प्स बाइंडिंग बाई इनेबलिंग सिलिका टू फ्यूज एंड बाइंड, राइट. एंड अगर एक्सेस क्वांटिटी है लाइम की तो स्वेलिंग के चांसेस रहेंगे, एंड डिसइंटीग्रेट होने की पॉसिबिलिटी भी है. नाउ आयरन ऑक्साइड विल ऑल्सो बी देयर, 4-5% इसकी क्वांटिटी रहेगी. एंड अगर आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी कम है काफी ब्रिक में तो उसका कलर येलोइश रहेगा, और अगर प्रॉपर क्वांटिटी है 4-5% है, सो यू कैन सी दिस कलर विल बी देयर, एंड एक्सेस विल बिकम डार्क ब्लू. नाउ मैग्नीशिया स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा, इट इम्पार्ट्स येलो टिंट एंड डिक्रीजेस श्रिंकेज. एंड अगर एक्सिस है तो ऑफकोर्स डिके होने के चांसेस रहेंगे ब्रिक के. नाउ वी कम टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में अनसोइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड डैम्पिंग. प्रिपरेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में. एंड मोल्डिंग कैन बी डन बाई हैंड और बाई मशीन. बाई हैंड करेंगे सो फॉर स्मॉल स्केल, एंड बाई मशीन फॉर लार्ज स्केल पे मशीन से हो जाएगा. दिस इज द वे ऑफ मोल्डिंग. ड्राइंग की बात करें सो नेचुरल ड्राइंग इन एयर एंड और आर्टिफिशियल ड्राइंग थ्रू ड्रायर्स. सो यू कैन सी दिस पिक्चर, नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन. नाउ वी कैन सी द बर्निंग इन द क्लैम्प और किल्न. टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 800-1100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो यहाँ पे जो है दिस इज द किल्न. वी कैन सी देर आर टू वेज टू बर्न द ब्रिक, क्लैम्प रहेगा और किल्न्स रहेंगे. नाउ द हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द ब्रिक अर्थ, जो ईट को बनाने वाली मिट्टी है उसमें कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं. लाइम कैन बी देयर इन द फॉर्म ऑफ लम्स, एंड इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर. पानी जो हम लोग ब्रिक अर्थ में मिलाएंगे उसको लाइम एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड उसके बाद में वो सॉइलिंग के चांसेस रहेंगे वहाँ पे, एंड कॉजेज डिसइंटीग्रेशन. पेबल्स, ग्रेवल्स एंड स्टोन के पीसेज रहेंगे, छोटे छोटे पीसेज ऑफ स्टोन, एंड दे विल ऑल्सो स्पॉइल द अपीयरेंस एज वेल एज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ विल बी देयर. अल्कालीज रहेगा, कॉजेज इफ्लोरसेंस इफ कम इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर. अल्कालीज में अल्कलाइंस जो हैं वो सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, बाहर आएंगे. एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड वेजिटेशन अगर है ज़्यादा या प्रेजेंट है तो इट इंक्रीजेस लॉस ऑफ इग्निशन. वो कम टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक मैटर एंड वेजिटेशन विल ड्राई आउट और वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसके कारण हॉलो पार्ट, हॉलो पोर्शन डेवलप होने के चांसेस हैं. अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर. नाउ वी कैन सी दिस इज द प्रिपरेशन. सोलिंग बेसिकली रिमूवल ऑफ टॉप 200 mm सॉइल इज द प्रोसेस. डिगिंग द रिमेनिंग सॉइल इज डग आउट एंड स्प्रेड ओवर अ लेवल फील्ड. Then cleaning के केस में removal of pebbles, stones, organic and vegetable matter, right? ये cleaning करेंगे हम लोग, ये सारी चीज़ें हटा देंगे. Weathering के केस में clean soil is exposed to the atmosphere for a few weeks to few months for softening, mellowing and ripening, right? So then blending to add any ingredient to the clay. भी extra
इंग्रेडिएंट मिलाना है विच इज रिक्वायर्ड फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रिक. सो यू कैन डू इट इन ब्लेंडिंग देन टैम्पिंग. वाटर इज एडेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द प्लास्टिसिटी बिफोर कैरिंग टू पग मिल. सो राइट, पग मिल में ले जाने के बाद में फिर मोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. दीज वर द स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ. राइट, नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन और किल्न. किल्न के बारे में ब्रिक में देखेंगे कि कितने तरीके के हमारे किल्न होते हैं. सो इंटरमिटेंट किल्न एंड कंटिन्यूस किल्न. राइट, एंड इंटरमिटेंट किल्न अगेन इंटरमिटेंट विदाउट स्टैक एंड इंटरमिटेंट kills with stake. And here we can see continuous, in case of continuous kiln, the moving fire kilns and moving wear kilns. तो यहाँ पे आग move करेगी and यहाँ पे जो है आपका आग constant रहेगी, जो आपका wear है वो आपका मूव करता रहेगा. किल्स के अलावा क्लैम्प्स भी रहेंगे. क्लैम्प्स जो है इसमें यू कैन सी द लेयर्स ऑफ रॉ ब्रिक एंड देन आफ्टर फ्यूल. दिस इज द अर्थ मटेरियल से पैक कर दिया उसको. क्लैम्प एक बार में 20 से 25 हजार ब्रिक बनाएगा, उसके बाद में पूरा रिमूव करना पड़ेगा. सो इट टेक्स टाइम टू मैन्युफैक्चर ब्रिक. नेक्स्ट वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन किल्न वर्सेस क्लैम्प बर्निंग. सो क्लैम्प बर्निंग थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का रहेगा, किल्न बर्निंग बेस्ट क्वालिटी का है. एंड इसमें हम अप टू 90% गुड क्वालिटी ब्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसमें हमारे पास में कुछ 60% गुड क्वालिटी ब्रिक रहेगा, बाकी हमारा सेकंड और थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास का ब्रिक आ जाएगा, मेनली सेकंड एंड थर्ड. किल्न बर्निंग ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है एंड क्लैम्प इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर. इसको हम लोग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे ही पहले बना लेते थे. सो किल्न के केस में रेगुलरली पर डे 25,000 एंड बट इन दिस केस वी कैन प्रोड्यूस अप्रॉक्सिमेटली 20,000 टू 1,00,000 ब्रिक्स ओके एट अ टाइम एंड इन अ मंथ. एक्चुअली टेक्स टाइम एंड कंटिन्यूस डिमांड फॉर ब्रिक कैन नॉट बी मेट. And this is for small scale, this is for big projects. And costly fuel like coal is used. And in this case, low cost fuel such as cow dung, gas, okay, grasses, etc. Fire can be controlled. And here, clamp fire is not controlled. Initial cost is high, initial cost is low. Skill supervision is required, skill supervision is not necessary. Now we see the dimension of the brick. The standard size of brick available in the market is different than the modular size. Modular size is 190 into 90 into 90, and non-modular brick. So this is the size of non-modular brick. And अगर English size की बात करें, so that will be 9 inch, 4.5 inch and 3 inch. ये अभी भी popular है India में. हम लोगों को इस size का brick मिलता है 230 into 115 and into 75 mm. Bricks that are standardized 190 without mortar actually. And I'm talking about this modular size. And if we are considering this 200 into 100 into 100 for the brick with mortar. And if we see the classification, there are many ways to classify the brick. Based on the manufacturing process, we can classify first class, second class, third class, and fourth class brick. So it can also be classified as per the burning process: underburned, overburned, and proper burned. So now we can see the classification based on the मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. फर्स्ट क्लास ब्रिक वो है जो आपकी वेल बर्न है और किल में प्रॉपर बर्निंग हुई है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, मोर देन 10.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड टेबल मोल्डेड है, उसके कारण उसकी एजेस जो है शार्प हैं, रेक्टेंगुलर हैं. एंड दीज ब्रिक्स आर वेरी हार्ड एंड मेनली यूज सुपर स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग का पार्ट है, जो टॉप पार्ट है, फाउंडेशन से ऊपर का जो पार्ट है वहां पे इसको यूज करेंगे. और प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पेंट कर सकते हो स्ट्रक्चर को डिजाइन देकर. एंड सेकंड क्लास ब्रिक भी सुपर स्ट्रक्चर में यूज होता है, बर्न इन क्लैम्प्स एंड ग्राउंड मोल्डेड. ये जरूरी नहीं क्लैम्प्स में ही बर्न हो, किल में भी हो सकती है, बट एजेस थोड़ी सी रेगुलर हो सकती है एंड शेप में हल्का सा चेंज आएगा. दीज ब्रिक्स आर ऑल्सो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एनफ टू टेक लोड एंड बट द एस्थेटिकली वी ऑल्सो प्रीफर टू मेक प्लास्टर्ड सर्फेस. देन थर्ड क्लास ब्रिक ग्राउंड मोल्डेड एंड बर्न इन क्लैम्प्स एंड इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम रहेगी एंड इसको हम लोग फाउंडेशन में प्रीफर करते हैं फाउंडेशन. एंड दीज आर द ग्राउंड मोल्डेड एंड थोड़ी सी रफ टेक्सचर रफ सर्फेस रहेगी. फोर्थ क्लास ब्रिक काफ़ी पुअर क्वालिटी का ब्रिक है एंड दैट विल बी जनरली विल नॉट बी यूज फॉर द स्ट्रक्चरल पर्पज बट कैन बी यूज फॉर फिलिंग एंड अदर थिंग्स. एंड दीज आर द ओवरबर्न और अंडरबर्न ब्रिक्स. ओवरबर्न के केस में क्योंकि जब सिलिका जो है उसमें है सैंड बर्न होगा और ओवरबर्न के कारण वो अपना शेप लूज कर देगी और उसमें डिस्टॉर्टेड distortions will be there, right? You can see this qualities of good brick: shape and size uniform and straight edges rahengi. Color will be a deep and red cherry. Texture and compactness, no fissures and holes. Hardness and soundness में अगर आप scratch करते हो brick पे तो जो है nail से impression नहीं आना चाहिए. Compressive strength 10.5 newton per square and more than that. Water absorption should not be more than 20%. किसी भी केस में जो है water absorption 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Density 70 to 90 kilonewton per meter cube. Shear strength 5 to 7 newton per square. Shear strength generally इतना important parameter नहीं है. Fire resistant high रहेगा and soluble salts free रहेंगे. Breakage when dropped from 1 meter height it should not break. These are some
properties like minimum compressive strength. So compressive strength is also very important parameter. Here, first class brick के लिए 10.5 newton per meter square and above, 7.5 newton per meter square above रहेगा second class के लिए, and third class brick के लिए रहेगा 3.5 newton per meter square and above. Fourth class brick और unburned brick के लिए 1.5 newton per meter square के आसपास strength आएगा. And type A engineering brick 125 newton per mm square. So we can see the various tests like compressive strength, water absorption and deflection. So compressive strength again can be done on the CTM compression testing machine will be there. And in this case both faces made smooth. Compressive strength determine करने के लिए हम लोग कुछ 3 to 5 number of specimen ले लेंगे brick के, और उन specimens को हम लोग पानी में सबसे पहले immerse करेंगे for 24 hours. ये test दो तरीके से होता है. जनरली या तो आप ये जो ब्रिक है उसमें फ्रॉग है, फ्रॉग में मोर्टार भरें, या फिर हम लोग अगर कुछ टेस्ट करना है तो हम लोग सैंड का यूज़ भी कर सकते हैं जो कि 24 घंटे के अंदर हो जाएगा टेस्ट. और अगर हम मोर्टार यूज़ करते हैं तो उसमें 7 days का टाइम लगेगा मोर्टार को, क्योंकि स्ट्रेंथ गेन करने में टाइम लगेगा. एंड देन ओनली द स्पेसिमेन प्लेस इन द CTM मशीन. फ्रॉग मस्ट बी फिल्ड विद द सैंड. कम्प्लीटली फिल करेंगे फ्रॉग को, और फ्रॉग फिल होने के बाद में हम लोग प्लाई से उसको कवर करेंगे टॉप एंड बॉटम सरफेस को. वी कैन यूज 3 pieces of 3 mm प्लाई एट टॉप एंड एट बॉटम. सो तीन लेयर में हम लोग 3 mm की शीट यूज करेंगे प्लाई की और कवर कर देंगे, सो दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड कैन मस्ट बी इंश्योर्ड थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ दिस स्पेसिमेन. एंड राइट, एंड उसमें लोड लगाना स्टार्ट करेंगे हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से एट द रेट ऑफ 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. एक मिनट के अंदर 1 centimeter स्क्वायर पे 140 किलोग्राम का लोड लगेगा. एंड द मैक्सिमम लोड एट विच स्पेसिमेन फेल्स इज नोटेड फॉर डिटरमाइनिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. राइट, एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो इट इज रिकमेंडेड फ्रॉम द कोडल प्रोविजंस लाइक इफ द स्ट्रेंथ इज लेस देन 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू द रिलेशन विच वी आर गोइंग टू यूज. सो दिस वाज द कंप्रेशन टेस्ट एंड दिस इज द डायल गेज मैक्सिमम रेसिस्टिव लोड एट विच ब्रिक स्पेसिमेन फेल्स. तो यहाँ पर डायल गेज पर रीडिंग आ जाएगी एंड दिस इज द ब्रिक स्पेसिमेन एंड यू कैन सी दिस पिक्चर. नाउ सेकंड टेस्ट वी कैन सी द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट. वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम लोग डिटरमाइन करेंगे सिंपली ब्रिक को पहले ड्राई करेंगे. ड्राई करने के बाद में हमारे पास में वेट आएगा W1, देन आफ्टर उसको पानी में इमर्स करेंगे टिल द कॉन्स्टेंट वेट एंड मे बी 24 hours. तो 24 घंटे तक उसको पानी में रखने के बाद में जो वेट आएगा दैट विल बी द वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब एंड द वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू W2 माइनस W1 ओवर W1 इंटू 100. दैट विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ वाटर एंड द रिजल्ट मे वेरी फ्रॉम 12 to 20%. And that temperature in the oven will be 110 degree centigrade plus minus 5 degree centigrade. Next, हम लोग देखेंगे efflorescence test. भी एक important test है ब्रिक में. First of all, I explain here the efflorescence is the white salt patches on the surface of brick, only described in qualitative terms. First of all, you will take a few samples and you will put your sample in tray. Efflorescence test में हम लोग specimen को कुछ इस तरीके से arrange करेंगे tray के अंदर और पानी भरेंगे जिसकी minimum height 2.5 centimeter होनी चाहिए. So brick placed in water of 2.5 centimeter minimum height and even more than that. And we will wait till water is absorbed or evaporated. After drying, again water will be placed in the tray. जब once ये एक बार पूरा का पूरा पानी सूख जाएगा या evaporate हो जाएगा दोबारा पानी डालेंगे. So this process हम repeat करेंगे. So होगा क्या कि water will be absorbed by the brick. While water starts, जैसे जैसे पानी का level कम होगा पानी brick का अंदर से बाहर आना start होगा और that water will bring the salts deposit inside of the brick specimen. तो जैसे जैसे वो salt बाहर आना start होगा we will measure the area. Efflorescence is classified as follow. If 0% efflorescence is there on the surface then it can be considered as a nil efflorescence. If 10% then slight efflorescence and more moderate ke liye 10 to 50% rahega hamara efflorescence and heavy hai to hamara 50% se zyada area cover kiya hai like the sample 1 2 3 4 the test perform water absorption efflorescence nil hai yahan pe water absorption percentage hai and compressive strength kuch itna aa raha hai. So these are few टेस्ट. ओके, नाउ वी कैन सी द एडवांटेजेस ऑफ ब्रिक. ब्रिक अगर प्रॉपरली केयर की जाए तो ब्रिक कैन बी यूज्ड इवन द हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. सो ब्रिक डू नॉट रस्ट, कोरोड, ब्रिक डू नॉट डेंट. दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस. डू नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस एंड डू नॉट डैमेज्ड बाई हाई विंड रेन एंड हेल एंड डू नॉट लिमिट योर पर्सनल एस्थेटिक्स एंड डू नॉट लिमिट योर डिजाइन ऑप्शंस. सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ ब्रिक.